इस सब के बारे में क्या कहना है शासिब? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, जुलेखा के बारे में बात कर रही हूँ। क्या वो ऐसा कर सकती है? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता शासिब, मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने जुलेखा को हमेशा हवेली के हमदर्द पाया है, मगर इस हवेली में 100 रूप हैं और उन 100 रूप के ऊपर 100 निकाब हैं। गद्दी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस हालत में उसको मेरे साथ नजरबंद कर रखा है ना। जुलेखा ने मुझे इस गद्दी से दस्तबरदार होने के लिए कायल किया है। मैं नहीं मानता कि वो इस लालच का शिकार हो सकती है। सच है, मगर एक सच ये भी है कि उसकी खातमाए खास ने ये सब किया है, और उसके बाप को तो तुम जानते ही हो। बाप तो मेरे भी शाह आलम है, हम एक जैसा तो नहीं सोचते। मत कहो मुझे अपना बाप, शर्म आती है तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनते हुए। बाबा बाबा प्लीज, ये दुश्मन है हमारा। अभी साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, पर तुम दुश्मनों के हमदर्द तो हो, और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर पता नहीं चला कि गुनहगार कौन है, इसलिए कुछ भी करने से पहले प्लीज सोचिए। गुनहगार कोई भी हो, पर इस हवेली और इसकी गद्दी का हर चोर दरवाजा शाहजेब तक जाता है, और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ना ये होगा, ना मेरे बेटे का कोई खतरा होगा। तो ले लीजिए मेरी जान, चलाइए गोली। बाप होने की हैसियत से यकीन एहसान किया। शासिब चुप करो, चलाइए गोली। प्लीज इसकी बात मत सुने बाबा। बाबा प्लीज, बाबा आपको ठीक करेंगे। बाबा क्या कर रहे हैं आप? ये तुमने क्या किया? जान दबी हो, ये तुम्हारा दुश्मन है। हाथ आए दुश्मन को ऐसे बख्शा नहीं करते, कुछ सीखो अपने बाप से शमीर। बस बस, मुझसे ये दुश्मनी अब और नहीं निभाई जाती। मैं अपने दामन पे अपनों का खून नहीं देख सकता। तुम जो मर्जी समझो, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। एक खून है हम। ये क्या बकबक कर रहे हो शाबित? जानते नहीं हो ये? हाँ हाँ सब जानता हूं, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। अगर साबित हो भी गया तो मैं इस जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें अपनों की कुर्बानी दी जाए, जिसकी वजह से कुल्लार मौत के मुंह में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। जुलेखा को भी लोअर जाओ, तुम किसी के कैदी नहीं हो। जाओ।